अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों माय नेम इज़ बुरहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे बुरहान शाह के नाम से। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत कमाल की वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोगों को जो है अपना व्हाट्सएप पर कोई SMS करता है तो आप लोग जो है उसको भी आपने रिप्लाई करना होता है। तो मोस्टली लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो व्हाट्सएप पर चैट कर रहे होते हैं या किसी ग्रुप में चैट कर रहे होते हैं कि जब उनको SMS आता है तो उनके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो इतना इंग्लिश में अबूर हासिल नहीं रखते वो कि वो इंग्लिश SMS जो है बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकें। तो आज मैं उन्हीं के लिए जो है वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो अपना इंग्लिश का मैसेज जो है बड़ी आसानी के साथ उर्दू में कन्वर्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। तो व्यूवर्स अपना वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से गुजारिश होगी अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे चैनल सब्सक्राइब करेंगे साथ ही बेल आइकॉन आएगा उसको भी आपने क्लिक कर देना है और उसको ज़रूर क्लिक करिएगा मेरी अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों मैं अपने व्हाट्सएप में आ चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं अपना ये मेरे दोस्त का जो अपना नंबर है मैं उन्हीं का मैसेज जो अभी आपको रीड करके दिखाऊंगा। ये अब मैं आप देखेंगे मैं यहाँ अपने दोस्त के मोबाइल से जो है ख़ुद को मैसेज करने लगा हूँ। आपने चेक करना है अभी मैसेज आएगा। ये देखें ये मुझे भी SMS आया है। फ़र्ज़ करें अगर मुझे किसी ने SMS किया है तो मैं अगर इंग्लिश में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश में SMS पढ़ना दुश्वारी हो रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एप्लीकेशन उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। ये देखिए ये एक एप्लीकेशन है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लूँ पास ही अपने। अब यहाँ ये आपने करना क्या है, ये जो ये आपको शो हो रहा है इसको आपने क्या पकड़ना है, इसको आपने पकड़ के इसके ऊपर छोड़ देना है। तो ये जो है क्या करेगा, ये एप्लीकेशन क्या करेगी आपको, सॉरी इसको मैं रख रहा, ये एप्लीकेशन क्या करेगी आपको जो है उस इंग्लिश वाले SMS की जो है उर्दू करके दिखा देगी। अच्छा इस ये तो हो गया, ठीक है आप किसी का SMS जो है वो बड़ी आसानी से उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। फर्ज करें अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं अब इसको जवाब देना चाहता हूँ और मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या करूँगा, मैं SMS लिखूँगा अपना उर्दू में। ये देखें अभी आपने गौर करना है, ये मैंने लिखा हुआ है अपना कुछ नहीं। अब मैं पता नहीं इसको देखना चाहता हूँ कि यार अगर मैं इसको अब मैं इसको अगर इंग्लिश में सेंड करना चाहूँ तो इंग्लिश में सेंड करना कर लूँ। तो ये मैंने जो अपनी पीछे से जो एप्लीकेशन सेटिंग में जो अपनी उर्दू रखी हुई है और अपने दोस्त की जो मैंने वो इंग्लिश में रखी हुई है, ठीक है तो ये मुझे इसलिए कन्वर्ट करके देगा। अब मैं उसी एप्लीकेशन को जो है ये देखिए ये अब मैंने लिखा है कुछ नहीं। अब मैं इसको जो है इसके ऊपर चेक करूँगा कि मैंने क्या लिखा है, ये देखिए नथिंग आ गया, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड मेरी जो एप्लीकेशन में सेटिंग है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना की अपने उर्दू में रखी हुई है और उसका जवाब में जो है इंग्लिश चेक करना चाहता हूँ तो मुझे इसने इसलिए इनकार कर दिया। अब मैं इसको सेंड कर दूँगा, सॉरी अब मैं क्या करूँगा इसको सेंड कर दूँगा नथिंग, मतलब ये है कि मेरी इंग्लिश का जो फिक्रा वो ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इंग्लिश लिखूं और मुझे उसकी उर्दू निकाल कर दिखाए तो वो क्या करूँगा, आपने इसको करना है इस एप्लीकेशन को इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सेटिंग में जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी ये मेरी जो योर लैंग्वेज है मैं इसको इंग्लिश कर दूँगा और अपने दोस्त की लैंग्वेज जो है उर्दू कर दूँगा। अभी मैं आपको इसका कमाल बताता हूँ। ये देखिए मैंने अपने दोस्त की लैंग्वेज उर्दू करके कर दी है। अब मैं फ़र्ज़ करें मैं इंग्लिश में उसने पूछा था व्हाट्स गोइंग ऑन, तो अब मैं इसको इंग्लिश में लिख के चेक करके फिर सेंड करूँगा। मैं कहता हूँ नथिंग, अगर मुझे कोई शक होगा कि अपनी इंग्लिश में मतलब कि लिखने में तो मैं इसको किस तरह चेक कर सकता हूँ। ये देखिए फिर आपने उसी एप्लीकेशन में आना है, इसको इसके ऊपर लाकर छोड़ देना है। तो क्या किया उसने, कुछ भी नहीं, मतलब ये कि इंग्लिश अगर इंग्लिश में अगर कोई आपको फिक्र अपने फिक्रे में लिखे अपनी चैट में कोई डाउट हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं। तो ये कि उसने बता दिया कुछ भी नहीं, आप इसको चाहे इसमें फॉरवर्ड कर दें, मतलब ये कि अब इस दोबारा क्या करूँगा मैं नथिंग करके
उसको सेंड कर दूंगा। तो मतलब ये कि मैंने ये ठीक लिखा है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को मसला आता है या आप कोई इंग्लिश का ऐसे में इंग्लिश चैट पे कोई मसला आता है, आप मैसेज को रीड भी कर सकते हैं। और रीड दूसरा ये कि अपना अगर आप किसी ने अगर आपने किसी को फॉरवर्ड करना हो तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया, अभी आपने इसकी सेटिंग में जाके थोड़ा सा अपना कीबोर्ड चेंज करना होता है। अगर आपने अपनी इंग्लिश का जो इंग्लिश को उर्दू में देखना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो कीबोर्ड पहले अपनी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में करनी होगी, फ्रेंड की उर्दू में। अगर आप अपनी उर्दू को इंग्लिश में देखना चाहते हैं कि आपने उर्दू जो लिखी है वो इंग्लिश में कन्वर्ट होगी है कि नहीं, तो उसके लिए आपको अपना कीबोर्ड उर्दू में करना होगा और फ्रेंड का इंग्लिश में। तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है किसी का मैसेज पढ़ भी सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और वो कहाँ से, वो आपने करना क्या, आपने अपने मोबाइल के डेस्कटॉप में आ जाना है। वो डेस्कटॉप में आने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे हाई ट्रांसलेट, ये हाई ट्रांसलेट लिखेंगे। ये देखें, ये एप्लीकेशन आ चुकी है, इसका आप दे सकते हैं, इसका टाइटल चेक कर लें। और नीचे आप देख रहे हैं कि 1 मिलियन इसकी डाउनलोडिंग हो चुकी है, 4.6 जो है इसकी रेटिंग जा रही है। जस्ट आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। मैं अभी आपको इसका सारा बताता हूँ आपने करना क्या है। इसका बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप लोग जो है अपना ये क्या कहते हैं अपना इंग्लिश की अपना एसएमएस को उर्दू में चेक कर सकते हैं, उर्दू वाले एसएमएस को जो है आप इंग्लिश में चेक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप इतना इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हैं। ये देखिए, ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है। जब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी ये कुछ परमिशन लेगा, इसको आपने अलाउ कर देना है। ये नीचे आ चुका है, वन स्टेप टूल फॉर चैट ट्रांसलेशन, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये एक्सेसिबिलिटी आएगी, ये इसको आपने ऑन करना होता है। मेरा मोबाइल P10 लाइट मोबाइल है, आप देख लीजिएगा एक्सेसिबिलिटी आपकी किस तरह, आपने चेक कर लेनी है अपने मोबाइल में कहाँ पर है। तो जस्ट आपने यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है हाई ट्रांसलेट ऑफ है, ये हाई ट्रांसलेट आ चुका है, इसको आपने ज़रूर ऑन करना है। इसको यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन को इसको आपने ऑन कर देना है और ये परमिशन मांग रहा है, इसको ओके कर देना है। फिर वापस आके अपना में ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर डन कर देना है, फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है अपना ये बता रहा है लॉन्ग प्रेस टू मूव, ये जहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है। तो व्यूवर्स, अपना उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ। मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल, ये देखिए मेरा यूट्यूब का चैनल, अभी आप अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो व्यूवर्स, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दिल के किस्से में मेरा